किसी भी मेंबर को भामाशाह में से डिलीट करना। कई बार होता है कि लोग नए राशन बनवा लेते हैं, परिवार में से दो राशन कार्ड बन गए या कोई मेंबर की डेथ हो जाती है तो इन मेंबरों को डिलीट करना होता है। तो सबसे पहले उसका नाम आप राशन कार्ड से डिलीट कर दें जिस भी मेंबर को डिलीट करना है, और उसको डिलीट करने के बाद आप भामाशाह से उस मेंबर को डिलीट कर सकते हैं। तो इसकी क्या प्रोसेस है वो इस प्रकार है। इसके लिए आप सबसे पहले तो अपना SSO से अपने ई मित्र को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अवेल सर्विस पे जाएंगे, वहाँ आप भामाशाह एनरोलमेंट एडिटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको थर्ड पार्टी पोर्टल पे भेजा जाता है। तो आप थर्ड पार्टी पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ आप डिलीट मेंबर पे क्लिक करें, उसकी रसीद संख्या का नंबर डालें, मैं एक रसीद नंबर डाल रहा हूँ, इसमें इस तरह का टर्म्स एंड कंडीशन आती है, ओके पे क्लिक करें। इसके पश्चात जिस भी आपको डिलीट करना है, जिस मेंबर को भी आपको डिलीट करना है, आप उसको सेलेक्ट कर लें। अब ये जो पूरा भामाशाह की डिटेल अपने सामने, इसमें से मैंने सपोज करो मुझे थर्ड नंबर का डिलीट करना है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, EKYC पे जाता हूँ, बायोमेट्रिक पे आता है, इसका मोबाइल नंबर मांगता है। इसमें से कोई भी आप ऑप्शन बायोमेट्रिक का या OTP का उसका ले लें तो उसका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर मैसेज आ जाएगा, या उसके आप इम्प्रेशन लेंगे, इम्प्रेशन लेंगे कैप्चर करेंगे उसको। कैप्चर करने के बाद आप वापस पोर्टल पे आते हैं। पोर्टल के आने के बाद जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट सीधे अगर वो ग्राम पंचायत से संबंधित है तो BDO साहब की ID पे चली जाएगी, और अगर का शहर है, सिटी से संबंधित है, तो जो भी कंसर्न अथॉरिटी सिटी के SDM साहब या नगर परिषद साहब कमिश्नर उनके ID पे चली जाएगी। वहाँ पे उनको उसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद ही वो मेंबर से डिलीट हो सकता है। अगर वो वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर सकने का भी ऑप्शन होता है, तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, वो वापस आपके पास आ जाएगा रिजेक्ट करने के बाद। तो इस तरह से हम भामाशाह से मेंबर डिलीट कर सकते हैं। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।